हेलो जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल ज्योति गर्ग ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको व्रत की चटनी किस तरीके से बनती है दही वाली, वो मैं आपको बता रही हूं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मैंने हरा धनिया ले लिया है, इसको मैं भी साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करके थोड़ा मोटा मोटा इसको काट लेंगे। इस तरीके से ये मैंने मोटा मोटा काट लिया है। मैं क्या करती हूँ, जो आगे का होता है उसको मैं इस तरीके से बारीक बारीक काट लेती हूँ, तो ये सब्ज़ी के काम आ जाता है। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए, इस धनिये को पहले हम अच्छे से धो लेते हैं। यह मैंने मिक्सी के जार में कर लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच नमक, जीरा आधी चम्मच, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आधा नींबू का रस, एक चम्मच दही, थोड़ा सा पानी डालेंगे। चलिए अब इसको पीस लेते हैं। तो ये देखिए, चटनी बिल्कुल पीस चुकी है, कितना बढ़िया कलर आ रहा है इसमें। अभी मैं इसे बाउल में कर लेती हूँ। तो ये देखिए, दही डालने से कितना अच्छा कलर आ गया है। इस चटनी को आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो, पकौड़ी के साथ या फ्राइज के साथ, या डेली में भी बना सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना है कि अगर व्रत है तो फिर हमें व्रत वाला नमक डालना है। अगर आपको मेरी ये व्रत वाली चटनी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि।